पीएफ और 2 महीने का मानदेय ना मिलने पर विद्युत संविदा कर्मियों ने बिजली घर में दिया धरना। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने ठेकेदारों पर लगाया पीएफ नहीं देने का आरोप। 2 महीने से मानदेय ना दिए जाने की भी शिकायत की। संविदा कर्मियों ने मानदेय और पीएफ नहीं दिए जाने पर बड़े आंदोलन और हड़ताल की दी चेतावनी। बुलंदशहर के खुर्जा डिवीजन के संविदा कर्मी दे रहे हैं धरना। अधिशासी अभियंता के ऑफिस के बाहर दिया जा रहा है धरना। नंबर 4 पर धरने पर बैठे हुए हैं, किस बात को लेकर धरने पर? हम इस बात पर बैठे हुए हैं, हम लोगों को जो है 7500 किसी को पद के हिसाब से तनख्वाह मिलती है, जिसका जितना भार है, किसी को 9000 मिलती है। अब हम लोगों को 9000 जब टाइम पे नहीं मिलेगा, तो हम जो लॉकडाउन में भी हम लोगों ने काम किया है, सब लोगों ने भाई, लॉकडाउन तो एक ऐसी बीमारी थी कि आदमी घर से नहीं निकल रहा था, लेकिन हम रात बरात में भी कोई पब्लिक किसी उपभोक्ता को कोई परेशानी नहीं होने देते। क्यों? हम परेशानी उठा सकते हैं, उपभोक्ता को नहीं उठाने दी हमने। 24 घंटे बिजली दी है, बरसात में, आंधी में, तूफान में हम लोग सब घूमते हैं, हम लोगों को टाइम पर तनख्वाह नहीं मिलती। क्या मांगे हैं? हमारी मांग ये है कि हमारी टाइम टू तो हमारी तनख्वाह मिलनी चाहिए, और जो हमारा पीएफ सालों से रुका हुआ है, जब ये एमबी पे साइन करते हैं तो उससे ये तो पूछ सकते हैं, तुमने इनका पीएफ दिया नहीं दिया? जो पीएफ हमारा मूल अधिकार है, जो हमारी तनख्वाह में से कटता है, सालों से हमें पीएफ कोई नहीं मिल रहा। कितने लोगों को नहीं मिला? सारे लोगों को नहीं मिला, जितने भी कर्मचारी। हम सबको नहीं मिला, जो हटाया गया उसको रखा जाए। एक सिसोदिया जी थे, जो उन्होंने पीएफ दिया था, उनका ठेका खत्म होने के बाद में हमें किसी ने भी, उससे पहले भी एक तुम्हारे केसी गौड़ थे, उन पर 2 साल का पीएफ रुका हुआ है। उसके बाद फिर गौड़ साहब आए, तो गौड़ साहब ने हमें पेमेंट दिया। फिर उसके बाद में तुम्हारे मेघ सिंह आए, तो मेघ सिंह ने भी हमारा रोक रखा है। उसके बाद फिर एक और आए, राकेश बाबू, उन्होंने भी पीएफ हमारा रोक लिया। हम अधिकारी को बार बार सूचना देते हैं, लेकिन हमारी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता इस बात के लिए। हम काम के लिए मना नहीं कर रहे हैं, हमें मालूम है हमारे विभाग की कोई कमी ऐसी नहीं है, पर कुछ कमी ऐसी है कि यदि विभाग एमबी पर साइन कर देता, हम ये पूछ ले कि भी आपने हमारे कर्मचारियों का कितनों का वेतन रोक रखा है, कितने का पीएफ रोक रहा है, तो ठेकेदार की हिम्मत नहीं, जो पीएफ लेकर भग जाएंगे हमारा। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो जब तक हम जो कार पे नहीं जाएंगे। फिलहाल तनख्वाह हमारी पहले डालें 2 महीने की, तनख्वाह के बाद हम काम के लिए मना नहीं कर रहे। क्यों? उपभोक्ता को कोई परेशान नहीं होने देंगे हम, उपभोक्ता भी हम लोगों में से ही हैं, हम भी चाहते हैं सबको बिजली मिले, सबको टाइम पे मिले। पहले हमारे भी तो बच्चे हैं, कोई ट्यूशन पढ़ने जा रहा है, किसी की फीस आ रही है, कोई आ रही है, कोई बीमार है, शादी है, बीमार है, हम भी बीमार हैं, हम कहाँ से पैसा लाएंगे इतना? 7000 में अपने बच्चों को पाल रहे हैं हम लोग।